अग्निकोण, दक्षिण और पूरब का अग्निकोण सर्वविदित है, वर्जित है शयन कक्ष के लिए। रसोई घर का स्थान वह, पर कहाँ उगता है जमीन का टुकड़ा वास्तु के हिसाब से। घर बनाने के लिए अब तो छोटे शहर में भी नहीं मिलता, अब तो छोटे शहर भी गगनचुंबी अट्टालिकाओं की योजना बना रहे हैं। हो सकता है प्रवेश द्वार पूरब का हो, पूरब का ही प्रवेश द्वार सबसे अच्छा, माँ के घर जैसा। पर अमेरिकी तर्ज पर प्रवेश द्वार रसोई घर में या उसकी बगल में, खाने की मेज़ कुर्सी के पास या गुसल खाने की भी बगल में, और सारी दुनिया का आना जाना उधर ही से, घर के पिछले दरवाजे से। पुरानी व्यवस्था, पुरानी सभ्यता, माँ की पसंद, माँ की गृहस्थी, दस्तक नहीं बस आवाज़ देकर आ जाए, बेटी भी आ गई। उसकी सीढ़ियों से उतरने की आहट पर भीतर आ जाते हैं पुराने मित्र, कुछ जाने की भी जल्दी है, जगह का भी अपना माहौल। खुलता ही नहीं आगे का दरवाज़ा, खुलता ही नहीं आगे का दरवाज़ा। लोग वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं कि घर की कुछ निजता हो, ये नहीं कि समूचा घर बन जाए आंगन। पर माँ की गृहस्थी पुराने डिज़ाइन की, पुरानी पसंद की, चोरी हो गई है निजता जिसमें, दुनिया भर की खटर पटर और उसकी आवाज़ में। कुछ के साथ बहसा बहसी भी हुई, थाने तक जाने की बात अतीत में। अब एक नई उठा पटक बेटी के आने पर उसके कुछ कहते ही हज़ार नई राजनीति गढ़ते हैं पड़ोसी। दोस्तों, ये एक खटपट की कविता है, लेकिन अग्निकोण ध्यान दें, इतनी गर्मी है वसंत में, है ना, ये एक माहौल की कविता है, कहें कि वातावरण को चित्रित करती, वास्तु से उसको जोड़ती। आशा है पसंद आएगी मेरे चौथे कविता संग्रह। लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि ये बीजू आम के मंजर हैं। आशा है कि आपने देखा और पसंद किया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये पेड़ मेरे अपने हाथों से लगाया हुआ और बहुत ही प्यारे से फल आते हैं।